महादेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज जो है मैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला में मेघी शब्द से क्या क्या तात्पर्य है या किस रूप में मेघी शब्द जो है ये प्रस्तुत होता है। तो ये जो है वास्तुकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? वास्तुकला से। सुजान लैंगर कौन है? पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि सुजान लैंगर कौन है। तो सुजान लैंगर जो है ये क्या है, अमरीकी कहाँ के हैं? ये अमरीका के हैं। कहाँ के हैं? अमरीका के। और कौन है? सौंदर्य शास्त्री हैं। क्या है? सौंदर्य शास्त्री हैं। स्टारी नाइट यानी तारों भरी रात जो चित्र है किसका है? ये वान गो का है। पहला तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्टारी नाइट चित्र किसका है या तारों भरी रात जो चित्र है ये किसका है। तो ये है वान गो का। फिर ये आपसे पूछा जाएगा कि ये चित्र कहाँ पर संग्रहित है। तो ये चित्र जो है आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क पर। चित्र कलाकार जो ये है ट्रिब्यूट ये किसका है? तो ये है अनुपम सूद का है। किसका है? अनुपम सूद का है। और ला कैप्रिकोम ये किसका है? तो ला कैप्रिकोम जो है ये गोया का है। किसका है? गोया का। अगला है फ्लेमिश चित्रकार है। तो फ्लेमिश चित्रकार कौन है? तो फ्लेमिश चित्रकार है पीटर पाल रूबेंस। कौन है? पीटर पाल रूबेंस। नव शास्त्रीयवादी कलाकारों ने फ्रांस की क्रांति में योगदान दिया। यानी नव शास्त्रीयवादी कलाकारों ने कौन सी क्रांति में योगदान दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस की। ये क्या है? फ्रांस फ्रांस की क्रांति में जो है इन्होंने अपना योगदान दिया था। लैंडस्केप चित्रकार से प्रभाववादियों की प्रेरणा दी। यानी किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को जो है प्रेरणा दी थी? तो वो दी थी टर्नर ने। किसने दी थी? टर्नर ने। पिशाचिनियों की सभा जो है ये किसकी कृति है? तो ये कृति है गोया की है। किसकी कृति है? ये गोया की है। और गोया किस युग से संबंधित है? रोमांसवाद से। कौन से वाद से संबंधित है? रोमांसवाद से। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी ये किसका चित्र है? तो ये है सल्वर डाली का। ये सल्वर डाली कैसे थे? अति यथार्थवादी थे। अति यथार्थवादी चित्रकार थे। अति यथार्थवादी, ठीक है, जो थे ये अति यथार्थवादी थे। और इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन कौन सा है? तो इनका एक प्रमुख चित्र है जलता हुआ जिराफ। कौन सा है? जलता हुआ जिराफ। तो ये कब बनाया था? ये बनाया था इन्होंने 1935 में। कब बनाया था? 1935 में। और किस लिए बनाया था? गृह युद्ध की पूर्व सूचना के लिए पर जो है इन्होंने ये चित्र बनाया था। लस्ट फॉर लाइफ ये जो बुक है ये किसकी है? तो ये है वान गो की। किसकी है? वान गो की। और इनका जन्म कब हुआ था? 1853 में हॉलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1853 में हॉलैंड में। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? किसकी? वान गो की। तो इन्होंने जो है आत्महत्या जो थी वो की थी। सपनों की व्याख्या, अगला क्वेश्चन है, सपनों की व्याख्या जो चित्र है ये किसका किसने की है? तो ये की है फ्राइड ने। किसने की है? फ्राइड ने। अगला है सल्वर डाली का जन्म जो है कब हुआ था? तो सल्वर डाली का जो जन्म हुआ था वो 1904 में स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1904 में स्पेन में हुआ था। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण कब था? तो ये हुआ था 1400 से 1480 के बीच। कब हुआ था? 1400 से 1480 के बीच। बल्जाक स्थापत्य जो है किससे संबंधित है? तो ये है बर्नेनी से संबंधित। जॉर्जियन की जो कौन सी कृति है? तो ये है टेम्पेस्ट। कौन सी है? टेम्पेस्ट। अगला है रोदिनी की पिएटा ये किसने बनाई है? ये बनाई है मूर्ति माइकल एंजेलो ने। किसने बनाई है? माइकल एंजेलो ने। अगला है पाश्चात्य अनुकृति सिद्धांतों की प्रणेता कौन है? तो अरिस्टोटल जो है ये किसके प्रणेता है? पाश्चात्य अनुकृति के। मिथ्स एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन इस बुक के लेखक कौन है? तो ये है हेनरी जीमर। कौन है? हेनरी जीमर।
अगला है प्रभाववाद का प्रभाव है, किस कलाकार पे जो है प्रभाववाद का प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो मिलता है राम किंकर बैच पे। किस पे? राम किंकर बैच पे। और ये क्या है? ये एक मूर्तिकार है, मूर्तिकार है कौन? राम किंकर बैच जो है ये एक मूर्तिकार है। भारत कला भवन के इस के संस्थापक निर्देशक कौन है? जो भारत कला भवन है ये इसके संस्थापक और निर्देशक कौन है? तो ये इसके हैं राय कृष्णदास। कौन है? राय कृष्णदास। छापा कलाकार का नाम बताओ एक, तो छापा कलाकार है दीपक बनर्जी। कौन है? दीपक बनर्जी। अनुपम सूद जो है इनका जो है चित्र कौन सा है? तो इनका है दीवारों से सरोकार या दीवारों पर, ठीक है। और ये किसमें है? लिथोग्राफ में बना हुआ। अगला है क्वेश्चन, महान विदूषक श्रृंखला किसने बनाई? तो ये बनाई थी कृष्णा रेड्डी ने। किसने बनाई थी? कृष्णा रेड्डी ने। कांटे चुभने जो है ये चित्र जो है ये है एन एस बेंद्रे का। किसका है? एन एस बेंद्रे का। लोक कला पर आधारित शैली जो होती है उनको क्या कहते हैं? तो उनको लोक कला कहते हैं। तो इसी के साथ मैं जो हूँ आज का इसका प्रैक्टिस सेट का अंत करती हूँ। आशा आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।